अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम करता हूँ मैं आपको आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेके जॉब अपडेट्स में। तो चलिए गाइस, मैं आपको आज की जॉब अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से गाइस प्लस टू लेक्चरर की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पहली बार जेके जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो गाइस, ये है इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया। यहाँ पे गाइज इन्होंने इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि जो कश्मीर में वेरियस हायर सेकेंडरीज है, वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इन्होंने ये प्लस टू कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर के पोस्टर्स निकाले हैं। तो गाइज यहाँ पे अगर हम नीचे आए, यहाँ पे हम टर्म्स एंड कंडीशंस को देखें, तो ये जो सिलेक्शन है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाली है प्लस टू लेक्चरर्स की। एंड मंथली गाइज पे किया जाएगा 10,500 कैंडिडेट्स को। एंड तीन हार्ड जोन के लिए गाइज यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि पर मंथ पे किया जाएगा 14,000। देन गाइज अगर हम नीचे आए, यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स को अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। एंड फॉर्म के साथ आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, आपको उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज फॉर्म के साथ अटैच करनी होंगी। तो जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने गाइज यहाँ पे मेंशन किए इस नोटिफिकेशन में, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, देन गाइज यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है DOB 10th की, देन गाइज मार्कशीट आपको PG का फॉर्म के साथ अटैच करना होगा सभी सेमेस्टर्स का। उसके बाद अगर आपके पास MPhil की डिग्री है तो उसकी सर्टिफिकेट, अगर PhD की है तो उसकी, देन गाइज अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो भी आप मेंशन कर सकते हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हो अलॉन्ग विथ परफॉर्मेंस रिपोर्ट। देन गाइज आप कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स को अपना फॉर्म सबमिट करना होगा सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो ऊपर मैंने आपको बताए। अपने रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में गाइज आप CO's ऑफिस जाके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। एंड गाइज लास्ट डेट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है 13 मार्च 2019। लास्ट डेट के बाद इन्होंने कहा है कि कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म हम रिसीव नहीं करेंगे। देन गाइज अगर हम नीचे आए, यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएट होंगे उनको 80 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर किसी के पास MPhil डिग्री होगी तो मजीद 5 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर किसी के पास PhD होगी तो मजीद 5 पॉइंट्स मिलेंगे, देन गाइज अगर एक्सपीरियंस होगी कैंडिडेट के पास तो 10 पॉइंट्स एक्सपीरियंस के मिल जाएंगे। उसके बाद गाइज अगर हम नीचे आए, यहाँ पे आपको गाइज एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ये आप मार्केट से ले सकते हो। देन इसको फिलअप करके आप अपनी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है सभी फिलअप करके यहाँ पे अपना एक फोटोग्राफ अटैच करके फॉर्म सबमिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे गाइज इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टर्स मेंशन किए हैं। यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है गाइज क्लियर नहीं है, अलग अलग से डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है पोस्टर्स को। यहाँ पे आप देख सकते हो श्रीनगर, बडगाम, गांधरबल, कुलगाम, अनंतनाग, शुपियां, पुलवामा, बांडीपोरा, कुपवारा एंड गाइज आई थिंक ये बारामूला है। उसके बाद यहाँ पे गाइज इन्होंने ये जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं यहाँ पे तो ये दिख नहीं रहे है, आई थिंक पहला एग्रीकल्चर है, उसके बाद अरबिक, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, देन गाइज यहाँ पे इसी तरह से कंप्यूटर साइंस, डोगरी एजुकेशन, इसी तरह से इंग्लिश, हिस्ट्री एंड सभी सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसियाँ इन्होंने मेंशन की है। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो 44 पोस्ट श्रीनगर के लिए है, उसके बाद बडगाम के लिए है 144, देन गाइज इसी तरह से गांधरबल के लिए है 67, उसके बाद कुलगाम के लिए है 107, देन गाइज अगर हम अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग के लिए है 364, उसके बाद शुपियां के लिए है 60 एंड देन पुलवामा के लिए है 122, बांडीपोरा के लिए है 100, कुपवारा के लिए है 125 एंड बारामूला के लिए है 243। एंड गाइज टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स है 1571। तो गाइज जब आप मार्केट से ये एप्लीकेशन फॉर्म देखोगे उसके बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स चेक कर लेना, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे एंड गाइज यहाँ पे पोस्टर्स फिर उसके बाद आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज लास्ट डेट है 13 मार्च, आप इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। तो जिन डिस्ट्रिक्ट्स का गाइज मैंने नाम लिया, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में गाइज जो हायर सेकेंडरीज है इन सभी के लिए प्लस टू कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर के पोस्ट्स आए हैं। एंड लास्ट डेट ऑलरेडी से मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि 13 मार्च 2019 है। ऑलरेडी से गाइज सब्सक्राइबर्स मुझे पूछ रहे थे कि जब भी ये फॉर्म आएंगे हमें अवेयर करना। तो गाइज
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस नोटिफिकेशन की लिंक भी मिल जाएगी, आप इसे इजीली से डाउनलोड करके खुद भी एक बार चेक कर सकते हो। तो ओके गाइस, थैंक्स। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज की भी लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके हमें फॉलो करना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ओके बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।